हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कहानी एक्सप्लेनेशन। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हाल ही में रिलीज़ हुई एक थाई हॉरर मूवी को, जिसका नाम है होम फॉर रेंट। ये मूवी बहुत ही भयानक टेरिफाइंग ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है। डार्क कल्ट है, सेक्रीफाइसेस है और ऐसी ही बहुत सी भयानक चीज़ें हैं, तो आपको देखने में मज़ा आएगा। और हाँ दोस्तों, मैं ये बता दूँ आपको कि हाल ही में मैंने रियल हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में अपने वीडियो में कवर किए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लीजिए। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। सो विदाउट फादर एडू, लेट्स रोल द इंट्रो। मूवी की शुरुआत होती है और हम मूवी के मेन प्रोटागोनिस्ट निंग को देखते हैं, जो कि एक बिल्डिंग में अपने अपार्टमेंट को चेक करने आती है, जो कि उसने रेंट पर दिया हुआ था। लेकिन जो टेनेंट्स होते हैं वो अपार्टमेंट खाली करके ऑलरेडी जा चुके थे और उसको भी बहुत ही बुरी हालत में छोड़कर गए थे। सब जगह पर गंदगी और थोड़े बहुत डैमेजेस थे, जिसमें रियल एस्टेट एजेंट टॉम उसे ये कहता है कि वो उनको सू कर सकती है, लेकिन वो वर्दित नहीं होगा क्योंकि फाइन लॉयर के फीस से भी कम ही होगा। खैर, अब वो लोग बात करने लगते हैं जहाँ पर निंग को पैसों की काफ़ी ज़रूरत थी। अब इस बात पर टॉम उसे ये सजेस्ट करता है कि वो अपार्टमेंट को साफ करवा कर यहीं पर शिफ्ट हो जाए, और जो उसका बड़ा वाला घर है उसके लिए वो एक और फैमिली को जानता है जो कि घर ढूंढ रही है, तो वो उसे रेंट पर लगा दे, जिस पे वो अपने हस्बैंड क्वीन से बात करके डिसाइड कर सकती है, क्योंकि उस घर का रेंट उसे काफ़ी ज़्यादा मिल सकता था एज़ कम्पेयर टू दिस वन। अब वो घर आती है और हम उसके हस्बैंड क्वीन को देख पाते हैं और उनकी एक बेटी इंग भी होती है। अब ब्रेकफास्ट करते हुए निंग क्वीन से हाउस रेंट करने की बात करती है, जिससे उसके पास थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे, लेकिन वो हाउस रेंट करने के लिए एग्री नहीं होता। और वो कहती है इस बार कोई डॉक्टर फैमिली है, जिस पर क्वीन उसको बोलता है कि आखिरी टाइम भी अपार्टमेंट के लिए एक टीचर फैमिली आई थी और वो तब भी घर रेंट के खिलाफ था। लेकिन निंग जैसे तैसे करके उसको समझा देता है और मना लेता है। क्वीन का यहाँ पर कहना था कि वो जो चाहे कर सकती है। खैर, अब वो जॉब इंटरव्यू के लिए गई हुई थी और आज उन टेनेंट्स को घर देखने आना था, और वो क्वीन को कॉल करके कहती है कि वो उन्हें अटेंड कर ले। लेकिन क्वीन घर रेंट करने के मूड में था ही नहीं, तो वो कैंसिल करने का बोल देता है और निंग उसे मना कर ये बोलती है कि वो खुद जल्दी घर आ जाएगी। अब वो कुछ ही देर में घर पहुंचती है और तब वो नए टेनेंट्स वहीं पर थे। वहां पर मदर और डॉटर होती है, जहां पर मदर का नाम होता है रात्रि और डॉटर का नाम नुस्था। जब निंग घर आती है तब वो देखती है रात्रि क्वीन को कोई किताब दे रही थी और बोलती है उसकी सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी और वो यहाँ पर रहने लगेगी, तो वो आगे और बात करेंगे। अब निंग उन दोनों से मिलती है और टॉम उनके बारे में बताता है कि रात्रि रिटायर्ड डॉक्टर है और नुश भी डॉक्टर ही है, जो कि यहाँ पर बैंकॉक में शांति वाली जगह पर रहना चाहती है। इन्हें ये घर पसंद आ गया है और वो कब शिफ्ट करे, जिस पर क्वीन बोलता है कि वो अगले महीने शिफ्ट कर सकती है। अब निंग ये सुनकर खुश हो जाती है कि चलो कम से कम क्वीन मान तो गया घर रेंट के लिए, जो कि काफ़ी अजीब था क्योंकि अब तक तो ये इस चीज़ के खिलाफ था, लेकिन रात्रि से मिलते ही वो इस चीज़ के लिए मान गया। खैर, अगले महीने निंग अपनी फैमिली के साथ अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है और घर खाली कर देती है ताकि नए टेनेंट्स आकर शिफ्ट हो पाए, और वो जाते हुए अपने नेबर आंटी फोन से भी बात करती है, जो कि उससे और इंग से बहुत ज़्यादा क्लोज थी। अब निंग आंटी फोन से कहती है कि अगर नई फैमिली उन्हें परेशान करे तो वो उसे कांटेक्ट कर सकती है। खैर, वो लोग अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं और आज इंग का बर्थडे भी था। ये लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और निंग ने इंग को गिफ्ट में टॉय सेट दिया था, जो कि उसे पसंद नहीं आता क्योंकि उसका मन एक डॉल लेने का था। लेकिन निंग बताती है कि जो वो स्पेसिफिक डॉल मांग रही है वो डॉल लेने की उसने बहुत कोशिश करी है, लेकिन अब वो डॉल कहीं भी नहीं मिल रही। कुछ ही देरी के बाद में इंग को सुलाकर
निंग लिविंग रूम में आती है जहाँ पर क्वीन बैठा हुआ था और वो यहीं पर सोफे पे सोने के लिए बोलता है क्योंकि कुछ दिन इनको यहाँ पर सेट होने में टाइम लगेगा और उसके खरोटों की वजह से इन जाग सकती थी। अब निंग यहाँ पर क्वीन के पास वही किताब नोटिस करती है जो कि रात्रि ने उसे दिया था, लेकिन क्वीन से पूछने पर वो यहाँ पर ये कहता है कि ये किताब कोई और मैकेनिकल मैनुअल है और वो बुक तो अजीब सी थी जो उसने फेंक दिया था। अब वो दोनों बात करने लगते हैं और निंग उसकी छाती पर कोई अजीब सा सिंबल नोटिस करती है जिसके बारे में वो बताता है कि वो अपने बॉस के साथ ड्रिंक कर रहा था और वहाँ पर कोई टैटू भी बना रहा था तो ये उसने ऐसे ही बनवा लिया और निंग इसको काफ़ी लाइकली लेती है क्योंकि ये एक टैटू ही तो है। अब अगले दिन निंग घर जाती है स्टोरेज रूम से कुछ सामान लेने के लिए, यानी कि जहाँ पर रात्रि शिफ्ट हुए थे, और यहाँ पर नुश उसे मिलती है जो कि उसे बाहर ही ग्रेट करती है और शायद रात्रि घर के सारे पर्दे लगा देती है ताकि निंग अंदर का कुछ भी ना देख पाए और ये बात उसे काफ़ी अजीब लगती है। अब निंग सामान लेने लगती है और नुश के बैग पर वो सेम वैसा ही सिंबल नोटिस करती है जो कि उसने क्वीन के चेस्ट पर देखा था, जो कि उसे बहुत ही अजीब लगता है, एक जैसे ही सिंबल दोनों के पास। अब वो मेल बॉक्स के बारे में पूछती है तो नुश कहती है कुछ मेल्स आए थे और वो उसे लेने के लिए घर के अंदर जाती है, लेकिन वो स्ट्रेंजली एक मिनट के लिए भी डोर लॉक कर लेती है जो कि बहुत ही अजीब बात थी। ऐसा लग रहा था कि वो ज़रा भी निंग को अंदर नहीं आना देना चाहती और ना ही उसे अंदर का कुछ देखने देना चाहती हो। अब निंग मेल्स लेती है तो वो ऑलरेडी ओपन थे, जिस पर नुश कहती है उसे लगा कि ये उसके मेल्स होंगे तो उसने ओपन कर दिया। अब आंटी फोन निंग को अपने पास बुलाती है जो कि थोड़ी परेशान थी और डरी हुई थी और कहती है कि ये नए टेनेंट्स उसे कहीं से भी डॉक्टर्स की तरह तो नहीं लगते, वो लोग दिन भर अपने घर में ही रहते हैं, कभी भी बाहर नहीं जाते और उनके घर के बाहर रेवन वर्ड्स के फेरस लटके हुए हैं जैसे कि वो ब्लैक मैजिक करते हो, और हाँ हर सुबह 4 बजे के आसपास वो लोग कुछ अजीब से चैंटिंग करते हैं, और एक रात आंटी फोन का डॉग भी बहुत ही तेज भौंक रहा था जिसे उन्होंने देख लिया और उनके घर के ऊपर उस वक्त बहुत सारे रेवन वर्ड्स उड़ रहे थे। अब अगली सुबह वो डॉग ब्रूटली मरा हुआ पाया गया जिससे आंटी फोन बहुत ही ज़्यादा परेशान है और निंग भी ये बात सुनकर काफ़ी परेशान हो जाती है और आंटी फोन को संभालती है। अब निंग अपने अपार्टमेंट आ जाती है और डॉक्टर्स डेटाबेस में रात्रि के डिटेल्स चेक करती है तो डॉक्टर डेटाबेस के अंदर उसका नाम था ही नहीं। खैर अब तक क्वीन भी घर आ चुका था और वो उसके बारे में उससे बात करती है तो क्वीन कहता है कि अब वो यानी रात्रि रिटायर्ड डॉक्टर है तो उसका नाम हट गया होगा। और टैटू के बारे में भी निंग उसे बोलती है कि नुश के ऊपर भी सेम टैटू था, जिस पर क्वीन उसे कहता है कि ये काफ़ी नॉर्मल चीज़ है और ऐसे टैटू काफ़ी लोग बनवाते रहते हैं। अब अगले सीन में निंग नट नाम के एक पर्सन को कॉल करके अपने नए टेनेंट्स के बारे में जानकारी निकालने के लिए बोलती है और वहीं पर इंग भी खेल रही थी जिसके पास में पड़ा हुआ था क्रो फेदर जिसे वो उठा लेती है। अब रात को इंग सडनली जाकर बताती है कि रूम में कोई था, जिस पर निंग कहती है कि वो मिरर में रिफ्लेक्शन देख लिया होगा। अब हम इसके अपार्टमेंट के बाहर ढेर सारी रेवन बर्ड्स को देख पाते हैं और रूम की विंडो भी खुली हुई थी जिसको निंग बंद कर देती है। क्लोजेट भी अपने आप ओपन हो गया था जिसको वो चेक करने लगती है और अब उसके पास फ़ोन पर कोई मैसेज आता है जिसको वो देखने जाती है और क्लोजेट में हम एक भयानक शेडो को देख पाते हैं जिसे ऑब्वियसली निंग नहीं देख पाती। अब ये मैसेज आंटी फोन ने किया हुआ था जिसके अंदर एक वीडियो था और फोन ने लिखा था कि वो लोग फिर से रिचुअल्स करने लगे हैं और टाइम भी 4 बजे के आसपास था और वीडियो में रात्रि कोई रिचुअल कर रही है और वो आंटी फोन को भी देख लेती है। निंग उन्हें मैसेज करती है उन्होंने उनको देख लिया है और वो ठीक तो है ना, जिस पर वो मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आता और जो वीडियो और मैसेजेस आए थे वो भी अनसेंड हो जाते हैं जिससे कि निंग परेशान हो जाती है। उसे बाहर से कुछ आवाज़ें आती है तो वो बाहर चेक करने के लिए जाती है और क्वीन रूम में नहीं था तब।
निंग उसे सब जगह ढूंढती है और कॉल करती है, लेकिन क्विन कॉल कट कर देता है और वो बाहर से आता है और कहता है कि कोई चूहा मिल गया था और वो उसे ही बाहर फेंकने गया था। और निंग उसके पास वही रेड बुक देखती है जिसके बारे में पूछने पर वो ये कहता है कि ये बुक वो चूहे पकड़ने के लिए लेकर गया था, जिस पर निंग कहती है कि ये बुक खराब हो गई है और वो उसे फेंक दे। और वो उसे फेंकने जाता है और निंग अपने कमरे में सोने के लिए जाती है, लेकिन वो छुप कर ये देखती है कि क्विन ने उस किताब को अपने बैग में रख लिया था और बैग का लॉक भी लगा दिया था, जो कि निंग को बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगता है। अब अगली सुबह निंग आंटी फोन से मिलने जाती है और नुश वहाँ पर आकर ये बताती है कि वो तो अपने होम टाउन गई है, जिस पर यहाँ पर निंग कहती है कि वो तो बैंकॉक से ही है और उनका कहीं पर भी कोई भी रिलेटिव है ही नहीं, मीन्स वो कहीं भी नहीं जा सकती। जिस पर नुश उसे ये कहती है कि उन्होंने ऐसा ही कहा था और वो जब वापस आ जाएंगी तो वो उन्हें निंग के बारे में इन्फॉर्मेशन दे देगी। और अब तक निंग काफ़ी परेशान हो जाती है और नुश और फैमिली का बिहेवियर, आंटी फोन का गायब होना और क्विन का बिहेवियर उसके लिए काफ़ी डरा देने वाला था और परेशान करने वाला हो गया था। खैर, अब तक वो घर आ जाती है और निंग के पास वही डॉल देखती है जो कि उसने उसे लाने के लिए कहा था और ये मार्केट में मिलनी भी बंद हो गई थी, जिसके बारे में इंग बताती है कि ये डॉल उसे उसके फादर ने गिफ्ट करी है। और निंग को ये डॉल बहुत ही क्रीपी लगती है। अब रात को निंग सो रही थी और तभी उसकी बेटी इंग कोई नाइटमेयर देखती है, जिसके बाद में निंग की नींद खुलती है तो उसे वो डॉल दिखती है जो कि उसे बहुत ही क्रीपी लगती है और वो उसे ड्रायर में रखने लगती है। खैर, अब उसे बाहर से अलार्म की आवाज़ आती है और समय सुबह के 3:45 हो रहे थे और वो बाहर देखती है तो क्विन तैयार होकर उस लाल किताब को लेकर घर से बाहर जा रहा था और निंग उसका पीछा करने लगती है, लेकिन कुछ आवाज़ कर देती है और क्विन वापस आकर सो जाता है। अब वो खुद भी सोने लगती है और तभी उसे किसी की शेडो हॉन्ट करने लगती है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और मिरर में उसे वो शेडो इंग के ऊपर दिखाई देती है और उसे भी सामने आकर हॉन्ट करने लगती है, जिससे कि वो बहुत ही परेशान हो जाती है। अगली सुबह वो इंग को देखती है जिसकी छाती पर सेम वैसा ही चिंबल आने लगा था जो कि क्वीन और नुश के ऊपर उसने देखा था, जो कि बहुत ही अजीब था। अब वो रात होने का वेट करने लगती है। ठीक 3:45 पर क्वीन का अलार्म फिर से बजने लगता है और वो अपनी लाल किताब लेकर बाहर जाने लगता है और निंग उसका पीछा करने लगती है। वो 8th फ्लोर पर जाता है और निंग भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है और यहाँ वहाँ चेक करती है और फिर टेरेस पर जाती है जहाँ पर हज़ारों रेवन वर्ड्स उड़ रही थी और क्वीन उस लाल किताब से देखकर कोई चैंटिंग और रिचुअल कर रहा था। और निंग छुपकर ये सब देखने लगती है और वो वीडियो बनाने लगती है, लेकिन कैमरा में उसे वही बच्ची का भूत दिखाई देती है जो कि उसे हॉन्ट करता था और वो भागकर अपार्टमेंट में आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। क्वीन भी उसे चेक करने के लिए रूम में आता है, लेकिन वो चुपचाप लेती रहती है। अब अगली सुबह वो क्वीन का बैग देखती है जिसका पासकोड उसने रात में ही याद कर लिया था और वो उस किताब को उठा लेती है और अब उसे बाथरूम में ले जाकर चेक करने लगती है तो उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। और ये बहुत ही शॉकिंग बात थी, यानी कि वो किताब पूरी तरह से खाली थी और ये देखकर तो वो और भी ज़्यादा वियर्ड फील करने लगती है। अब वो उस किताब को यही छुपाने लगती है और स्टोरेज देखती है तो यहाँ पर बहुत सारे वही सिंबल्स थे और रिचुअल्स के सामान था जिसे क्वीन ने ही बनाया होगा। अब अगले सीन में वो इंग को उसकी स्कूल से लेने जाती है और ये देखती है कि इंग तो रात्रि के साथ है और वो लाल किताब को पढ़ रही है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसके पास जाती है, लेकिन इंग गायब थी। और अब वो अपने क्लास से बाहर आती है जिसके नेक पर वही सिंबल आने लगा था। और अब निंग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई और उसे रात्रि के बारे में पूछती है, लेकिन वो कहती है कि वो यहाँ पर आई ही नहीं। अब वो उसे घर लाती है और कार में छोड़कर घर से सामान पैक करके लेके आती है, क्योंकि अब वो यहाँ पर नहीं रहना चाहती थी। और वो नीचे आती है तो कार में उसे क्वीन भी मिलता है।
वो उसे यह कहती है कि वो कल्ट जैसे चीज़ों से दूर रहना चाहती है और उसने इनके पास रात्रि को देखा था जो कि उसे हर्ट कर सकती है। लेकिन क्वीन ये कहता है कि जब रात्रि इनके पास आई ही नहीं तो वो उसे कैसे हर्ट कर सकती है, और शॉकिंगली क्वीन रात्रि को मदर बोलने लगा था। खैर, अब वो दोनों बहस करने लगते हैं और वो निंग को थप्पड़ मार देता है और कुछ लोग उसे रोकने आते हैं। इतने में ही वो इनको लेकर निकल जाती है, यानी कि यहाँ पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ वाली हो गई थी। अब वो इनको लेकर अपने मदर के घर जाने लगती है, लेकिन उसकी मदर ये कहती है कि क्वीन भी उन दोनों को ढूंढ रहा है, जिससे कि वो अपने मदर के पास ना जाकर एक होटल में स्टे करती है। यहाँ पर इंग क्वीन के पास जाने की जिद करने लगती है और कहती है कि उसे अपनी डैड की हेल्प करनी है, और निंग उसे ये पूछती है कि किस चीज़ की मदद करनी है और वो क्या छुपा रही है। लेकिन इंग कुछ भी नहीं बोलती और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब अगली सुबह वो इंग को सोता हुआ छोड़कर अपने फ्रेंड नट से मिलने जाती है, जो कि उसे बताता है कि रात्रि की आईडी नंबर ऑल्टर्ड है और रियल नंबर उसने फिगर आउट किया है और ये आईडी रात्रि की ही है, और यहाँ पर उसका रियल नाम नेफाफोन फोंगथेवा है। हालांकि उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन ये फिशी ज़रूर है कि उसने खुद की आइडेंटिटी फेक करके होम रेंट कर लिया। अब यहाँ पर नट की गर्लफ्रेंड आ जाती है और निंग उठ के जाने लगती है, और नट की गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि नट से वो दूर ही रहे क्योंकि वो उसे पसंद करता है और वो लोग जल्दी ही शादी करने वाले हैं, तो ये ठीक नहीं रहेगा। अब निंग रूम के अंदर आती है तो उसकी बेटी इंग गायब थी, और रूम सर्विस बताती है कि उसके फादर उसे ले गए। अब वो अपार्टमेंट आती है तो इंग कहीं नहीं मिलती, और वो बेड मैट्रेस नोटिस करती है तो उस पर वही सिंबल ब्लड से बना हुआ था। अब वो अपने घर आती है तो रात्रि और नुश घर खाली करके जा चुके थे, और वहाँ उसे वही रिचुअल प्लेस, सिंबल्स और अजीब सी ऑफरिंग्स मिलती है। अब वो टॉम को कॉल करती है और वो उसे पिक करता है और कहता है कि वो लोग फ़ोन नहीं उठा रहे। रास्ते में ही निंग नोटिस कर लेती है कि टॉम के चेस्ट पे भी सेम वैसा ही सिंबल है, और उसके पास भी वही रेड बुक है, यानी कि वो भी इसी कल्ट का हिस्सा है। और अब वो उसे भागने की कोशिश करती है, लेकिन टॉम उसे बेहोश करके एक बैग के अंदर बंद करके रिवर्स साइड बने एक अकेले घर में ले जाता है, और अब उसका भी अलार्म रिंग होता है 3:45 पर। और अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है 11 साल पहले, जहां पर हम देखते हैं क्वीन को अपनी बेटी जा के साथ उसी घर में रहा करता था, और उसकी वाइफ उन दोनों को छोड़कर काफ़ी टाइम पहले ही जा चुकी थी। दोनों फादर डॉटर एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, और जा को क्वीन वही डॉल गिफ्ट करता है जो कि उसने इंग को किया था, और ये सेम वही डॉल है, मीन्स वो जा की ही थी जिस पर उसका नाम भी लिखा हुआ था, जिसे क्वीन ने इंग को देने से पहले ही मिटा दिया। अब एक दिन जा तैयार हो रही होती है और शावर लेने जाती है, और तब गीज़र ब्लास्ट होने के कारण वो ख़त्म हो जाती है, और अपनी बेटी को खोकर क्वीन एकदम से टूट जाता है। वो महीनों से पागल सा डिप्रेस्ड होकर घर पर पड़ा रहता है, और उस डॉल को अपनी बेटी जा मानकर उससे ही बात करता रहता है। अब एक दिन निंग नाम की एक इंश्योरेंस सेलर आंटी फोन का घर ढूंढते हुए उसके पास आती है, और उन दोनों के बीच बातें होती है और एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और शादी भी कर लेते हैं, और क्वीन अपने पास्ट से मूव ऑन कर लेता है और पास्ट का कुछ भी निंग को नहीं बताता। यानी कि ये निंग वही है जिसे हम स्टार्टिंग से देख रहे थे, जिसके अंदर कोई भी खराबी नहीं था क्योंकि वो कहीं भी गलत नहीं था, और अपने दुख से बाहर आने के लिए ये सही भी था। अब समय बीत जाता है और एक दिन वो इंग को जा से बात करते हुए सुनता है, जिस पर उसे पहले तो यकीन नहीं होता, लेकिन इंग अब जा जैसे ही बात करने लगी थी और जा जैसे ही खाने पीने लगी थी, इसका मतलब वो वाकई जा से कम्युनिकेट कर पा रही थी। अब ये सब क्वीन ने तब नोटिस किया था जब निंग उसे घर रेंट के लिए बोला था। अब वो उसी दिन जा के सामान देखता है और ये घर उसका आखिरी निशानी था, इसीलिए वो उसे बेचने नहीं चाहता था,
और अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों वो इस घर को रेंट करने के लिए और यहाँ पर बेचने के लिए मना कर रहा था। यानी कि यहाँ पर कहानी फिर से शुरुआत की तरफ चली जाती है, जहाँ पर रात्रि को यहाँ पर घर रेंट के लिए दिए जाने वाला था। निंग घर पर नहीं होती, यानी कि वो तब जॉब इंटरव्यू पे थी, और घर देखने के लिए रात्रि और नुश आ जाती है। और रात्रि में कुछ पावर्स थी जो कि जा को सेंस कर पा रही थी और उसके साथ में क्या हुआ, और वो अपने टाइम से पहले ही मारी थी, इसीलिए वो इसी घर में कैद है। ये सब वो जान चुकी थी, जो कि वो क्वीन को बताती है, जो कि वो जानकर बहुत ही शॉक्ड होता है, जिससे रात्रि खुद रेड बुक देती है और वो खुद जा की याद में और पेन में था तो वो किताब उसे हेल्प कर सकती थी। अब वो लोग घर पर शिफ्ट हो जाते हैं और क्वीन रात्रि से मिलने जाता है और वो उसे रिचुअल करने के लिए बोलती है, जिससे वो अपनी बेटी जा को देख पाएगा। लेकिन उससे पहले उसे रात्रि के कल्ट के लॉर्ड हिज माइटीनेस को सर्व करना होगा और उन्हें फेट रखना होगा। अब निंग्स से छुपकर वो चांटिंग करने लगता है, जो कि बुरा काम नहीं था, और छुपकर क्योंकि वो निंग को जा के बारे में बता नहीं सकता था, क्योंकि उसने पहले भी नहीं बताया। अब जिस दिन निंग सामान लेने आई थी, उस दिन घर पर क्वीन ही था और वो उससे छुप रहा था, मीन्स वो मेल्स उसने ही ओपन किए थे। वो रात्रि के पास रेगुलरली आया करता था। अब एक दिन रात्रि उसे कहती है कि जा का जाने का टाइम हो चुका है, जिस पर वो उसे कहता है कि वो अपने बेटी से भी मिल नहीं पाया, रात्रि उसकी हेल्प करे। और अब से ही वो रात्रि को मदर बोलने लगा था, यानी कि जा की जो स्पिरिट थी वो रात्रि के अंदर आया करती थी, यानी कि उसे हम मीडियम कह सकते हैं। अब रात्रि उसे कहती है कि वो उसकी मदद तो कर सकती है, लेकिन उन्हें एक ऐसी बॉडी चाहिए होगी जो कि जा की ही एज की हो और उसे कम्युनिकेशन कर सकती हो। इसमें उस पर्सन का कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि एक साथ दोनों स्पिरिट्स एक ही बॉडी में रह सकते हैं। और यहाँ पर रात्रि का इशारा इंग की तरफ था। अब क्वीन उस दिन ही इंग को जा की डॉल गिफ्ट करता है और उसे जा के बारे में सब कुछ बताता है और उसे वापस लाने के लिए इंग से मदद मांगता है। और हम जान पाते हैं कि क्वीन ने क्या हेल्प मांगी थी। अब वो घर पर बेड मैट्रेस के नीचे वो सिंबल बनाता है, बाथरूम स्टोरेज में वो रिचुअल सेटअप और सिंबल प्लेस बनाता है। अब वो रिचुअल कर रहा होता है जिस दिन निंग ने उसे देख लिया था, और वो बुक असल में एक तरह का डोरवे होता है, जो कि हमारे वर्ल्ड और डेड वर्ल्ड के बीच का, जहाँ पर एक तरह से एस्ट्रल प्रोजेक्शन करके क्वीन पहुँच गया था और उसने खुद को उसके पास प्रेयर्स करके कल्ट के बहुत सारे मेंबर्स की स्पिरिट्स को देखा था और उसने जा की स्पिरिट्स को भी देखा था, जो कि जल्दी ही गायब हो गई थी। और यही रीज़न था कि वो किताब बिल्कुल खाली थी। अब वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन में था तो उसे पता था कि निंग ने उसे देख लिया था, और ये बात उसने रात्रि को बता दी थी, जो कि अब खुद ही रिचुअल परफॉर्म करने का बोलती है। अब अगले दिन स्कूल के बाहर क्वीन रात्रि के साथ ही था और वो उसे बताती है कि रिचुअल पूरा करने के लिए उसके बॉडी पर 3 मार्क्स होना ज़रूरी है। एक जा बना चुकी है उसकी चेस्ट पर, दूसरा वो बना देगी, और तीसरा और सबसे स्पेशल क्वीन को बनाना होगा, क्योंकि वो उससे ही पैदा हुई थी। खैर, इसके बाद में होता ये है कि निंग अपनी बेटी को लेकर भाग जाती है और क्वीन ने इंग को होटल से ही कॉल करके बुला लिया था और वो उसे वहाँ से पिक करके घर ले आता है, जहाँ पर नुस उसे आंटी फोन के घर आने का कहती है, क्योंकि निंग उसके घर को चेक करने आ सकती थी और अभी उनके घर को रिचुअल के लिए तैयार भी करना था। अब वो आंटी फोन के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि आंटी फोन मेडिटेशन कैंप गई है, रात को आ जाएगी। अब रिचुअल की तैयारी शुरू होती है इंग पर, वो मार्ग बनाया जाता है और उसे रात्रि के पास रिचुअल्स के लिए छोड़कर क्वीन नीचे आ जाता है, जिसे आंटी फोन मिलती है, जो कि उसे स्टैब कर देती है क्योंकि वो पोजेस्ट हो गई थी। और अब रात्रि नीचे आती है और अपने बॉक्स से एक उडन डॉल निकाल कर कहती है कि ये उसकी सबसे छोटी बेटी है, जिसके साथ खुलते हैं इस मूवी के भयानक ट्विस्ट। तो रात्रि की बेटी थी प्लिया नाम की, जो कि 7 साल की एज में डूबकर मारी गई थी,
और तब से ही उसने प्रिया की सोल को उस डॉल में कैद करके रखा था और तब से ही वो एक सुइटेबल बॉडी ढूंढ रही थी जिसके अंदर वो प्रिया की सोल को डाल पाए। और ये प्लानिंग इस घर से शुरू नहीं हुई थी बल्कि 4 महीने पहले से ही इंग पर नज़र रखी हुई थी और टॉम उसका ही साथी था। इनफैक्ट उस अपार्टमेंट को ख़राब करना ताकि निंग वहाँ पर रहे एस कोई उसको रेंट पर लेगा नहीं, ऐसी हालत में कोई भी वहाँ नहीं आने वाला था, ये सब भी टॉम ने ही किया था। फिर ये वाला घर लेना, यहाँ पर शिफ्ट होना, क्वीन को फंसाना, ये सब प्लान 4 महीने से ही चल रहा था। और उस दिन वो इंग को स्कूल पर भी मिली थी जहाँ पर उसने इंग को क्लियर वॉइंस ट्रेवल करके भी दिखाया था जिसके अंदर बॉडी से दूर अलग यादों और अलग वर्ल्ड में ट्रेवल किया जा सकता था। और उसने बताया था इस बॉडी के अंदर एक लड़की, यंग लड़की की स्पिरिट रहती है जिसका नाम रात्रि है और उसने 50 ईयर्स पहले रिचुअल करके उसे अपने अंदर रहने दिया था और रात्रि ही उसको दिखती है जो कि स्पिरिट थी, तो वो एज करेगी नहीं। और उसके ग्रेट ग्रैंडफादर हिस्माइटीनेस की लीडर के डिसेंडेंट थी और हिमालयस के अराउंड थे और उसके रिचुअल के बीच में जा की भी स्पिरिट्स आ रही थी जिसे वो उसके ही डॉल में कैद कर देती है ताकि वो रास्ते में ना आ पाए। यानी कि उस डॉल के अंदर जा के स्पिरिट्स खुद से नहीं आई थी बल्कि रात्रि ने उसको कैद किया था और अपनी बेटी की स्पिरिट्स अलग ही डॉल के अंदर कैद करके रखा था। और आपको एक बात और याद होगी कि निंग की दोस्त नट ने यहाँ पर ये रात्रि के ऊपर इन्फॉर्मेशन निकाली थी, तो ये शरीर किसी और का था और इस शरीर के अंदर रात्रि की स्पिरिट्स थी। बेसिकली यहाँ पर स्पिरिट्स को ट्रांसफ़र करने के रिचुअल्स किए जा रहे थे और यहाँ पर इस सेमन का मकसद कुछ अलग ही था, अपनी बेटी को जिंदा करना। अब हमें यहाँ पर ये तो पता चल ही गया कि कल्ट बहुत पुराना है और रात्रि ने ये सब कहाँ से सीखा, कैसे सीखा। और ये कल्ट पुराना है तो बहुत से लोग ओवर द टाइम जुड़ते रहे। नाउ बैक टू द स्टोरी, क्वीन उसे मार्क करके रात्रि के पास छोड़ जाता है और यहाँ पर वो इंग को रिवील करती है उसने एक डेड बॉडी के अंदर जगह ली थी, एज एक साथ एक ही बॉडी में दो सोल नहीं रह सकते। ये उसने पहले अपने प्लान के लिए झूठ बोला था, यानी कि एक स्पिरिट अंदर रहेगी और दूसरे स्पिरिट मारी जाती है। और वो ये भी रिवील कर देती है कि बॉडी किसी और का है जिस पर रात्रि के स्पिरिट्स ने कब्जा किया हुआ है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है जहाँ पर क्वीन घायल है और आंटी फोन को ख़त्म कर दिया गया है। जी हाँ, वो यहाँ पर जिंदा नहीं थी और वो कहीं पर भी नहीं गई, उनको तो मार दिया गया। अब प्रिया के स्पिरिट्स को इनके अंदर डालने का रिचुअल शुरू होता है और क्वीन उसे बचाने की एक और कोशिश करता है और ऊपर जाता है, यानी कि वो यहाँ पर अपनी गलती सुधारना चाहता है, लेकिन नुश उसे घायल कर देती है। अब हम निंग को देखते हैं जिसे बैग से निकालकर टॉम ठिकाने लगाने वाला था, लेकिन निंग यहाँ पर छुप जाती है और उसे ही ख़त्म करके घर आ जाती है और ब्लास्ट करके रिचुअल्स डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है। अब वो रूम में आ जाती है जहाँ पर रात्रि रिचुअल कर रही थी और प्रिया की सोल उस डॉल से इंग के बॉडी में आने लगी थी और उसे रोकने के लिए निंग रात्रि पर अटैक करती है, लेकिन यहाँ पर मौजूद कल्ट मेंबर्स की जो स्पिरिट्स होती है उसे रोकती है और अब वो उस डॉल को पीट पीट कर तोड़ देती है जिसके अंदर प्रिया की सोल थी और वो स्पिरिट निकल कर उस पर अटैक करती है और फिर गायब हो जाती है। निंग यहाँ पर अपनी बेटी की बॉडी को लेकर भागती है और रात्रि उसका पीछा करके बोलती है कि अब वो इंग नहीं है बल्कि रिचुअल पूरा हो चुका है और वो प्रिया मेरी बेटी है, लेकिन अब रूफ टूटकर उनके ऊपर गिर जाती है। अब सिर्फ रात्रि होश में थी और वो देखती है इंग उठकर नुश को ख़त्म कर देती है और रात्रि को भी ख़त्म कर देती है, लेकिन क्यों? तो असल में मरते हुए क्वीन ने उस डॉल के अंदर जा को देख लिया था। जी हाँ, उसने उस डॉल को मार्क कर दिया जिससे फाइनली उसकी ही स्पिरिट्स इनके अंदर आ गई, ना कि प्रिया की।
यानी कि क्वीन ने यहाँ पर पूरा रिचुअल ही पलट दिया। अब अगले सीन में हम निंग को हॉस्पिटल में देखते हैं, जिससे पुलिस ऑफिसर बात करते हैं और वो अपनी बेटी इंग के पास में आती है, जो कि उसे सच बता देती है कि वो इंग है ही नहीं, असल में वो जाकी स्पिरिट है और वो उसके अंदर है और वो क्वीन की वही बेटी है जो कि कई साल पहले मारी गई थी, और रिंग कहाँ है ये उसको भी नहीं पता। यानी कि एक बॉडी के अंदर खाली एक ही स्पिरिट रह सकती है और यहाँ पर जाके स्पिरिट रहेगी इनके बॉडी के अंदर। ये सुनकर निंग पूरी तरह से टूट जाती है, लेकिन वो जा को भी एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि उसकी कोई गलती थी ही नहीं। यहाँ पर जो कुछ किया था वो तो क्वीन ने किया था, और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर प्लिया की स्पिरिट नहीं आई। अगर वो आ जाती तो यहाँ पर और भी चीज़ें खराब हो जाती। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम उन दोनों को साथ देखते हैं, जहाँ पर निंग जा को अपनी बेटी के रूप में एक्सेप्ट कर लेती है और जा को भी एक माँ मिल चुकी थी, और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी होम फॉर रेंट मूवी की कहानी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। थैंक यू।